ये तो हो गया कि दोस्तों आपने अपनी जो कि पीपल कार्ड है उसको आपने बना लिया, एक तरह से आप कहें इसको आपने अपनी विजिटिंग कार्ड बना लिया। अब अगर आप चाहें इसको अगर आप डिलीट करना तो आप डिलीट कर सकते हो। वैसे तो गूगल के न जाने कितने प्रोडक्ट जो आए दिन लॉन्च हुआ करते हैं, और उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट जो कल गूगल ने लॉन्च किया था 10 अगस्त 2020 को, तो उस पर जो ये फीचर जो लॉन्च किया है पीपल कार्ड, आई थिंक ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और मेरे हिसाब से ये यूजफुल जितने भी टाइप के बिजनेसमैन हैं जो अपनी विजिटिंग कार्ड को बनवाते हैं, छपवा के बंटवाते हैं या बांटते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो कैसे आप अपना वर्चुअल ई विजिटिंग कार्ड को तैयार करेंगे, इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो इस फीचर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी अकाउंट है उस अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। यहाँ पर देखिए सर्च मैंने किया था अभी, ऐड मी टू सर्च। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको सर्च पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपका पहला ये सर्च रिजल्ट आ जाएगा, ऐड योर सेल्फ टू गूगल सर्च। और यहाँ पर आप व्यू एग्जाम्पल करके देख सकते हैं कुछ ये इस तरीके का विजिटिंग कार्ड ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे यहाँ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान देंगे कि इस फीचर का यूज़ करने के लिए आपको अपने इस अकाउंट में नंबर को वेरीफाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने नंबर को वेरीफाइड नहीं किया है तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो भी मोबाइल नंबर है और आप जिस भी कंट्री के हैं, तो फिलहाल के लिए तो ये इंडिया के लिए ही है, आप यहाँ पर अपने नंबर को वेरीफाइड कर देंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ नंबर अपना डाला है तो यहाँ पर टिक का निशान आ गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों ये पब्लिकली हमारी प्रोफाइल जो ये बनेगी सबको शो करेगी, इसलिए मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, वहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक जो नाम है ईमेल का, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया है। बाकी वहाँ पर लोकेशन, अबाउट सेक्शन, ऑक्यूपेशन, वर्क, एजुकेशन, होम टाउन, वेबसाइट, सोशल प्रोफाइल, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू देख रहे हैं, प्रीव्यू कर देंगे। तो चलिए मैं फटाफट सारी डिटेल्स भर के उसके बाद मैं आपसे दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। तो दोस्तों इस तरीके से सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अपनी भर लेनी है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको भर दिया है, सारे अपने जितने भी सोशल हैंडल नेटवर्क्स हैं सारे चीज़ को ऐड कर दिया है। और यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स वगैरह आपने भरी है वो सारी सही है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से सारी डिटेल को भर देना है, और उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ इसको सेव करेंगे तो व्यू सर्च कार्ड ये आपका आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पर आ गई, और सर्च डिटेल सारी चीज़ यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ही आप अपनी जो ई विजिटिंग कार्ड है उसको आप क्रिएट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये तो हो गया कि दोस्तों आपने अपनी जो कि पीपल कार्ड है उसको आपने बना लिया, एक तरह से आप कहें इसको आपने अपनी विजिटिंग कार्ड बना लिया। अब अगर आप चाहें इसको अगर आप डिलीट करना तो आप डिलीट कैसे करेंगे, हालांकि आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल गई होंगी कि कैसे आप अपने को पीपल कार्ड बना सकते हैं, ऐड टू सर्च में ला सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर इसको डिलीट करने की ज़रूरत होगी तो क्या करना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, अपने इसी पेज पर लॉगिन करना है। एडिट के सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। तो एडिट के सेक्शन में जाने के बाद नीचे यहाँ इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ अगर आप देखें तो नीचे ही दिया है रिमूव माई सर्च कार्ड फ्रॉम गूगल। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा कि अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से योर कार्ड हैज़ बीन रिमूव, तो ये यहाँ पर रिमूव हो गया। तो बहुत ही सिंपली है। तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने तरीके बताए, जो मैंने टिप्स बताए वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।